हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A06 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में ना फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसे सेलेक्ट करना है। अब इस वाले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है लॉक स्क्रीन का, इसे सेलेक्ट कर लेना है। इस वाले पेज में आपको नीचे फिंगरप्रिंट का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, फिंगरप्रिंट को ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले आपको अपने मोबाइल फोन में स्क्रीन लॉक लगा लेना है। अगर स्क्रीन लॉक नहीं लगा हुआ है तो पहले स्क्रीन लॉक लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपको फिंगरप्रिंट का ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब यहां पर आपको अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक एंटर कर देना है, ठीक है। ये पेज आएगा, इसमें आपको नीचे कंटिन्यू का बटन टैप करना है, कंटिन्यू, ठीक है। अब यहां पर आपको जो है ना अपने दोनों हाथों में से किसी एक फिंगर का यूज करना है, थंब का भी यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन होता है यही आपका फिंगरप्रिंट सेंसर का काम करेगा। तो मोबाइल फोन के जो पावर बटन पे आपको ना दबाना नहीं है, आपको टच करना है, सिर्फ किसी भी फिंगर को टच करना है, तो ऐसे आपका फिंगर जो है ना स्कैन होने लग जाएगा, ठीक है। तो आपको फिंगर को है ना ऐसे घुमा घुमा के अच्छे से टच करना है, ठीक है। ऊपर नीचे चारों ओर से फिंगर को टच करना है, तो आपका ये देखिए इस तरीके से फिंगर जो है स्कैन होने लग जाता है। और ध्यान रखिएगा कि जब आप फिंगर को टच करते हैं ना, उससे पहले आपको अपने फिंगर को अच्छे से साफ कर लेना है, ताकि आपकी फिंगर के ऊपर कोई भी धूल मट्टी या फिर पसीना पानी ना लगा हो, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप टच करेंगे तो 100% पे पूरा हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखिए राइट टिक लग जाएगा, छोड़ देना है। अब इसके बाद नीचे डन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फिंगर प्रिंट 1 लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके फोन में फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाता है, ठीक है ना।